क्लास इलेवन एक्सरसाइज फोर पॉइंट थर्टी ए फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजोटलीट एन एटीट्यूड ऑफ वन पॉइंट फाइव किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ सेवन ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर पासिस डेक्टली ओवर हैड एन एंटी एयरक्राफ्ट गन तो यहाँ तक हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं सबसे पहले मैं अपना रेफरेंस प्लेन ड्रा कर लेता हूँ सो दैट दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस सो so, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि, कि मेरा फाइटर प्लेन है वो फ्लाइंग कर रहा है हॉरीजोंटली एंड एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर सो यहाँ से 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड ये फ्लाई कर रहा है ठीक है सो so, लेट ले लेते हैं अलोंग पाथ ठीक है इस पाथ के अलोंग ये फ्लाई कर रहा है सो so, किस के ऊपर से फ्लाई कर रहा है यहाँ पे लेट माई पॉइंट ओ यहाँ पे मेरे पास एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है एंड हमें क्या दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी ऑफ फाइटर प्लेन है वो भी गिवन है सो so, हमें वी वेलोसिटी ऑफ फाइटर प्लेट हमें कितनी दी हुई है सो लेट इसे हम वी से कर करते हैं सेवन ट्वेंटी किलोमीटर पर आर अब नेक्स्ट एट वट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड फॉर द शेल विद मजल स्पीड ऑफ सिक्स हंड्रेड मीटर पर सेकेंड टू हिट द प्लेन उसने पूछा कि जो वो शेल फायर करेगी सो so लेट ठीक है लेट इसे हम इनिशियल रोफ्ट का नाम दे देते हैं वी नॉट सो so जो एंटी क्राफ्ट गन है जो वो शेल फायर करेगी उसका एंगल विद वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लेट इट भी हम इसे ठीठा रख लेते हैं तो ये कितना होगा हमें ये फाइंड करना है हमें स्पीड भी गिवन है मजल स्पीड क्या होती है कि जैसे ही गन से हमारा शैल बाहर निकला उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी मतलब इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी बता दी सो सिक्स हंड्रेड मीटर पर सेकेंड ये हमें गिवन है क्वेश्चन में एंड सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बींग हिट तो हमें फाइंड करना है कि पायलट कितना ऊंचा प्लेन उड़ाए कि वो इस गन की रेंज से बाहर आ सके तो यहाँ पे एक टेक जी इज इक्टल टू टेन मीटर पर सेकेंड स्केयर तो इस सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अब देखते हैं कि मेरा फाइटर प्लेन इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है सो so लेट तो इसे मेरे एंटी एयरक्राफ्ट गन ने ट्रेस कर लिया था कि यहाँ पे एक प्लेन है सो so उसने यहाँ से एक शेल फायर किया ठीक है जो कि प्लेन को किसी पॉइंट लेट से यहाँ पे हिट कर जाएगा ठीक है सो लेट दिस पॉइंट विल बी बी सो लेट दिस पॉइंट विल बी अवर ए पॉइंट जहाँ से हमने रेफरेंस प्लेन के अकॉर्डिंग सो लेट अब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँ ऑन अ ग्राउंड ठीक है सो लेट इसे नाम दे देते हम डी डैश का सो so, हमें फाइंड करने को क्या कहा गया है पहले ऑप्शन में ठीठा कि हमें ठीठा फाइंड करना है सो so, अब आप एक बार ध्यान देखिए फ्रॉम सिमिट्री ऑफ डायग्राम जो मेरी ए बी है एंड ओ बी डैश ये मेरे पास सेम आ रही है इसका मीन्स क्या A, is is o, है डिस्टेंस ए बी इज डिस्टेंस इक्वल टू ओ बी डैश के इक्वल है यहाँ से हम देखते हैं कि मान लीजिए कि शैल ने टाइम लिया टी टू हिट द प्लेन ठीक है हिट द प्लेन सो अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि इसी टाइम में ए से बी प्लेन मूव करेगा और इसी टाइम टी में ही शैल हिट कर जाएगा प्लेन को सो so, ये टाइम सेम हो जाएगा जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी इसे मैं वेलोसिटी कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेता हूँ लाइक वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन और आप कह सकते हैं स्पीड कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन और स्पीड कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन सो स्टार्ट करते हैं थीटा फाइंड करना जो हमारी एंगल की डेफिनेशन होती है बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंगल वो क्या होती है कि एंगल इज ऑलवेज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो एंगल हमेशा मेरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही होना चाहिए और एंटी क्लॉक होना चाहिए अगर एंटी क्लॉक होएगा तो ही हम इसे पॉजिटिव लेंगे सो देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में टोटल एंगल कितने का होता है 90 का अगर हमने विद वर्टिकल इसे थीटा मान लिया तो जो रिमेनिंग एंगल बच गया वो कितना बच गया नाइन्टी माइनस ठीठा सो दिस इज नाउ आवर एंगल विद एक्स एक्सिस सो हमें क्या कॉम्पोनेट फाइंड करना था वी एक्स की जो मेरी वेलोसिटी ऑफ प्लेन है हमने वी से रिप्रेजेंट कर दी थी वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन टू टाइम ये हमें क्या देगा डिस्टेंस मतलब ये किस डिस्टेंस की वैल्यू दे, दे देगा ए बी डिस्टेंस की डिस्टेंस ए बी की सो ये किसके इक्वल होगा डिस्टेंस ओ बी के क्योंकि सेम टाइम लग रहा है तो ये भी हम कह देंगे कि अब ओ बी डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वी एक्स वेलोसिटी व्लॉफ्टीन एक्स कंपोनेंट इन टू टाइम तो ये भी मुझे डिस्टेंस ही बता देगा डिस्टेंस डैश यहाँ पे बी डैश की बात कर रहे थे सो so, अब मुझे ये फाइंड करना है कि जो मेरा वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन है वो फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू जो हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ शेल दी हुई थी सो so, आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर यहाँ से मैं रफली ड्रा कर लूँ दिस एंड दिस ये मेरा रिप्रेजेंट कर, कर रहा है वी नॉट को ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है वी एक्स को तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया सो so, ये एंगल कितना था हमारा अब नाइनटीन माइनस थीठा सो हमें मालूम है ये दिस बिकेम आवर रेफरेंस एंगल रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर और रेफरेंस एंगल और नाइनटी के बीच में हमारे पास क्या होता है बेस तो ये बच गया मेरे पास हाइपर अब मुझे वी एक्स निकालना है तो हम कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे साइन कॉफ टेन में से सो so, लाइक like, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल ठीक है तो मुझे निकालना क्या है बेस पता है क्या है मुझे हाइपर तो मैं ये रिलेशन चूज़ कर लूँगा कॉस का ठीक है लाइक सोना चांदी टोल सो so, चांदी से कॉस कॉस का रिलेशन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे सो so, स्टार्ट करते हैं तो माइक एंगल ऑफ रेफरेंस कितना था नाइन्टी माइनस थीठा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपर तो बेस पे मेरे पास क्या था वालसटी इन एक्सट्रैक्शन अपॉन इनिशियल वी ऑफ गन वी नॉट तो अब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ देखिए क्लास टेन मैथ में हमारे पास चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री उसमें हमने ये रिलेशन यूज़ किया हुआ है जब भी हम 90 से कोई एंगल माइनस करेंगे तो जो इसका जो एंगल है पहले वाला वो चेंज हो जाएगा लाइक कॉस साइन में साइन कॉस में तो ये हमारा कॉस था तो ये किस में कन्वर्ट हो गया साइन में सो so, ये नाइन्टी ख़त्म हो गया नाइन्टी ने कॉस को साइन में बना दिया और क्या बच गया ठीठा तो ये बन गया साइन ठीठा इज्कल टू वी एक्स अपॉन वी नोट हमें क्या कहना था वी एक्स की वैल्यू फंड करनी थी तो वी एक्स वेलोसिटी कंपोनेंट या स्पीड कंपोनेंट इन एक्स आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा के इक्वल तो यही चीज हम इस कंडीशन में पुट कर देते हैं लाइक वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ प्लेन डिस्टेंस गिव्स अ डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अब वी एक्स कॉम्पोनेंट हमने भी ब्रेक किया था वी नॉट साइन थीटा इनटू टी हमें मालूम है कि जो टाइम है ठीक है ये दोनों ही डिस्टेंसिस में इक्वल रहने वाला है सो so, टी से टी कैंसिल हो गया एंड अब हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीठा की वैल्यू है वो किसकी इक्वल आ जाएगी साइन थीठा इज इक्वल टू वी वाई वी नॉट ठीक है क्योंकि हमें दो ही वेलोसिटीज मालूम थी v और v नॉट इस क्वेश्चन में सो डैट्स वाई हमने v और v नॉट में इसे कन्वर्ट किया तो अब यहाँ पे वैल्यू सब कर लेते हैं सो साइन थीठा इज इक्वल टू v हमारे पास कितना आ गया था 720 किलोमीटर पर आवर सो so, देखिए ध्यान से अब ये मेरी ऐसा यूनिट नहीं है तो यहाँ पे मेरे पास क्या थी 600 मीटर सेकंड अब इसे भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ ऐसे यूनिट में सो सेवन ट्वेंटी किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं थाउजेंड मीटर डिवाइडेड बाय आर तो आर में कितने सेकेंड होते हैं थर्टी सिक्स हंड्रेड सो जीरो जीरो दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कैंसिल होगी थर्टी सिक्स टू सा हो सेवेंटी टू तो अब मेरे पास क्या बचा ट्वेंटी इन टेन तो ये मेरे पास आ गया टू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड अब हमारी यूनिट सेम हो गई हैं सो वी टू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड अपॉन वी नोट हमारे पास कितना था सिक्स हंड्रेड मीटर पर सेकेंड सो दिस कैंसल जीरो से जीरो सो टू इट बिकेम वन बाई थ्री एंड फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे साइन थीठा कम्स आउट टू जीरो पॉइंट थ्री 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 अब अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू देखूँ जीरो पॉइंट जीरो थ्री पे तो मेरे पास थीटा कम्स आउट अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा नाइनटीन पॉइंट फाइव डिग्री सो दिस इज आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट विथ किसके साथ है ये विद वर्टिकल ठीक है क्योंकि ये लिखना जरूरी है क्योंकि वैसे ठीठा हम हमेशा एक्सिस के साथ लेते हैं तो इस बार हमने ठीठा वाई एक्सिस के साथ लिया था तो हमने मैंशन कर दिया विद वर्टिकल एक्सिस सो अब इसका सेकेंड फार्ट देखते हैं एट वट मिनिमम एल्टीट्यूड और हाइट शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट सो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से समझ के देखते हैं तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि अब जैसे हमने प्लेन ड्रा किए थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ठीक है ये मेरा एक्स एक्सिस था ये मेरा वाई एक्सिस था तो मैं चाहता हूं कि ये मेरा प्रोजेक्टाइल बन गया अब देखिए हमने ऐसा कुछ अब ये जो मेरा एंटी क्राफ्ट गन का जो शेल है वो अब इस तरह मूव करा जो हमने देखा था डायग्राम में ठीक है सो दिस विल बी माय मैक्सिमम हाइट इसको हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल एच से सो so, यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी वी नॉट वो हमें गिवन थी 600 मीटर पर सेकेंड ऑफ अ शेल तो हमने यहाँ से देखा ये एंगल बन रहा था विद वर्टिकल तो ये मेरे पास बना था 19.5 डिग्री का सो so, ये हमने कह दिया था एंगल ये कितना था हमारा 90 माइनस 19.5 डिग्री आ जाएगा क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस 90 डिग्री का होते हैं तो अगर ये मेरा 90.5 आया था तो ये मेरा बच जाएगा 70.5 डिग्री सो so, अब मेरे पास ये दिस एंगल आ गया है. इस एंगल को यूज़ करके मैं मैक्सिमम हाइट निकाल सकता हूँ कि जो मेरे गन का शैल है वो मैक्सिमम हाइट कितने तक जा सकता है तो उससे ऊपर ही हम प्लेन उड़ाएंगे ताकि हम बच सकें हिट होने से मैक्सिमम हाइट का जो हमारे पास फार्मूला होता है लाइक एच इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर साइन ठीठा स्केयर अपॉन टू जी तो यहाँ पे अब ठीठा हम कौन सा यूज़ करेंगे 70.5 डिग्री वाला सो इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम थी गन की 600 हंड्रेड स्केयर इंटू अब यहाँ पे आ जाएगा साइन सेवेंटी पॉइंट फाइव डिग्री का भी होल स्केयर अपॉन टू इंटू जी यहां पर जी की वैल्यू टेन ले लो सो दिस बिकम टेन तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यह जाएगा सिक्स हंड्रेड इंटू सिक्स हंड्रेड इंटू अब साइन सेवन की वैल्यू हमारे पास होती है जीरो पॉइंट नाइन फोर टू सिक्स तो इसका स्केयर अपॉन टू इंटू टेन अब इसे हम सिंपलीफाई करते हैं अगर टू से मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो ये बचेगा थ्री हंड्रेड टेन से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास बचेगा सिक्सटी सो so, इसे फर्दर कैलकुलेशन करके देख लेते हैं अब पॉइंट नाइन फोर टू सिक्स का अगर मैं स्केयर करूं तो मेरे पास वैल्यू आ रही है जीरो पॉइंट एट 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 फोर नाइन तो अगर इसे मैं राउंड ऑफ़ करके लिख लूँ तो इसे मैं ऐसे राउंड ऑफ़ करके लिख सकता हूँ कि जीरो पॉइंट एट 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 फाइव तो हमने ये राउंड ऑफ करके लिख ली इस स्केयर की वैल्यू को तो अब हम इसे कैलकुलेशन इसमें सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है थ्री हंड्रेड इंटू सिक्सटी इंटू ज़ीरो पॉइंट एट 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 फाइव अगर हम इसे मल्टीप्लाई करके देखें तो मेरे पास आ रहा है वन फाइव नाइन नाइन थ्री मीटर क्योंकि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वो मीटर पर सेकंड में थी सो so, हम इसे अब किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 15.993 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया आंसर तो अब इसे हम फर्दर राउंड ऑफ करके देख लेते हैं जैसे हमने कहा था कि मैं प्लेन को इससे थोड़ा सा ऊपर ही उठाऊँगा टू अवॉइड द हिट तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास कितना आ जाएगा सिक्सटी किलोमीटर ठीक है तो जो पायलट है उसे 60 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड प्लेन उड़ाना पड़ेगा टू अवॉइड हिट हिट से बचने के लिए सो दिस इज आंसर ऑफ आवर सेकेंड पार्ट